के गोवर्धन में ब्लॉक पर प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को गुणवत्ता पूर्ण भोजन तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गोवर्धन के बीआरसी सेंटर पर इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के शासन पर एक माह का प्राथमिक प्रशिक्षण चल रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण में करीब 500 से अधिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। दो दिवसीय प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान एआरपी अविनाश शुक्ला द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों से हुई शिक्षकों की दूरी के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई में आई कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। वहीं कुछ शिक्षकों द्वारा बताया गया कि शिक्षकों द्वारा दिया जा रहा भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं है और शिक्षकों दो सस्ते ढाबे से खाना खिलाया जा रहा है, जबकि बताया गया शासन आदेश कर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण खाना मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक की भोजन की थाली पर 200 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन यहां शिक्षकों को 60 रुपए का खाना भी नहीं दिया जा रहा। अब इस बारे में न्यू ब्रजवासी नामक ढाबे पर जाकर खाना खा रहे हैं शिक्षकों से पूछा तो उनके द्वारा बताया गया यहां आने पर यह तो साफ हो चुका था कि वाकई ये खाना गुणवत्तापूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ शिक्षक भोजन ठीक बता रहे थे तो कुछ कैमरे के सामने आने से मना कर रहे थे। इससे ये तो साफ हो चुका है कि शासन के जीभ के हिसाब से शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा। इसके बारे में जब ढाबा स्वामी से पूछा तो बताया कि एक थाली का 57 रुपए उसको मिलता है और उसे मात्र 60 शिक्षकों को खाना खिलाने का ऑर्डर है। वहीं दूसरे ढाबे पर आंगनवाड़ी महिलाओं को खाना खिलाकर निकलते देख होटल स्वामी से पूछा तो उसने इन महिलाओं को दी जा रही थाली का रेट 51 रुपए बताया। 500 से अधिक टीचर और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को गोवर्धन शिक्षा विभाग के अधिकारी कैसे 100 डाइट में खाना खिला रहे हैं और कैसे 57 और 51 की थाली कागजों में 200 की जा रही है, यह तो अधिकारी जाने या फिर राम जाने। ऐसे में अब देखना होगा खाने का पैसा आखिर कहां जा रहा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है जी। अच्छा, किस नाम से होटल है? श्री राजीव वैष्णव भोजनालय। श्री राजीव वैष्णव भोजनालय। हाँ जी। और ये न्यू ब्रजवासी भी आपका ही है? आपका ही। अच्छा, यहीं पे टीचरों के खाने की व्यवस्था है? हाँ जी। तो क्या दिया जा रहा है खाने में? खाने में आपको दाल है, सब्जी है, चावल है, सलाद है, रोटी है और 55 रुपये थाली है। 55 रुपये की थाली दी? हाँ जी। अच्छा, कितनी थालियों का ऑर्डर है आपके पास? 7 थाली होगा। कितने दिन तक? एक महीना का। एक महीने के लिए? क्योंकि मैं नहीं कर दूंगा, मेरा पड़ता नहीं खा रहा है। मेरा पड़ता नहीं खा रहा है। क्या 55 क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है भाई साहब, बिल्कुल। इसलिए हमको 80 रुपये थाली चाहिए हमको। मतलब आप कल दे आओ या मत आओ, बस यहाँ भी व्यवस्था फेल है। आप पहले क्या क्या करें बताओ, बोलो। कोई बढ़िया खाना खाओ, बेकार खाना बता रही है। और ये बता रहे हो तो बढ़िया बता रहे हैं खाना, और भी पूछो। जी सर, क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मैं अविनाश शुक्ला। ट्रेनिंग चल रही है, किस लिए चल रही है और किस आदेश पर चल रही है? मेरा नाम अविनाश शुक्ला है, गोवर्धन में एआरपी पद पर गणित विषय को देखता हूँ मैं। और ये हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है एसपीडी महोदय के निर्देशानुसार चल रहा है। इसमें हम 2 दिन में केवल प्राइमरी के स्टाफ को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें प्राइमरी के एचएम, प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी के शिक्षा मित्र, उन्हीं पर आधारित है। क्योंकि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा जो है प्राइमरी के लिए ही बताई गई है और प्राइमरी के आधारित टीचरों पर हम ये प्रशिक्षण को दे रहे हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी, अब लंबे समय के बाद हमारे विद्यालय खुलने वाले हैं। जूनियर स्कूल आज से खुल रहे हैं और 1 मार्च से लगभग प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। तो प्राइमरी स्कूलों में जो एक गैप आ गया है, लर्निंग गैप आ गया है कोविड-19 के दौरान, हम बच्चों से उतना मिल नहीं पाए, उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाए और निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें वो धूमिल हो गई होंगी। उन चीज़ों को ताज़ा करने के लिए, उनको दोबारा से एक्सेलरेट करने के लिए हम ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण को चला रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे समृद्ध मॉड्यूल बच्चों को पढ़ाया जाएगा। समृद्ध मॉड्यूल के अंतर्गत 100 दिन पे हमें उन पर काम करना है, जिससे उनको दोबारा से हम चीज़ों से जो चीज़ जहाँ पे जैसी छूटी हुई थी उनसे पुनः उनको हम जोड़ सकें। और फिर उसके बाद हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पे काम करना है, जिसमें पाठ योजना बड़े सुव्यवस्थित तरीके से दे रखी है और एक सिस्टमेटाइज प्रोग्राम, वेल प्रोग्राम डिज़ाइन करके हमको प्रदेश सरकार ने दिया है अपना एक मिशन प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लगभग वो हमारा लक्ष्य वार्षिक। यहाँ पूरा मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, जैसे यहाँ कितने लोग टीचर यहाँ? ये टोटल जो मैनेजमेंट है, पूरे मैनेजमेंट को सिर्फ हमारे खंड शिक्षा अधिकारी देख रहे हैं, बाकी उनकी टीम है उसको देख रही है, वो ऑपरेट कर रही है। हम लोगों का काम थोड़ा प्रशिक्षण की ओर फोकस रखना है और अपने अपने बैच को भली भाजी तरीके से संचालित करना है। जी यहाँ पर अगर मासा पता कैसी यहाँ खाने की व्यवस्था है? भैया खाने गुणवत्ता लगा मेरी माने पर्सनली तो बेकार है। ऐसे खाने की व्यवस्था का शिक्षकों को दी जा रही है वो बेकार है, नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका और टीचर हैं क्या? हाँ, मेरा नाम भोरम सिंह है जी। हाँ,
किस पद पर है? टीचर है यहाँ? शिक्षा मित्र पर। शिक्षा मित्र के पद पर ट्रेनिंग में आए? हाँ जी। अच्छा यहाँ ये बताइए तो खाने की व्यवस्था है, क्या मिलता है खाने में और कैसी व्यवस्था है? रोटी सब्जी दाल चावल और बढ़िया व्यवस्था है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने रुपए थाली होगी करीब, ये कभी पूछा है आपने यहाँ? अभी पूछा तो नहीं है पर हमें अंदाजा लग रहा है कम से कम 50-60 रुपए की तो होगी। 50-60 रुपए की? हाँ इससे ज़्यादा की नहीं है। अच्छा जियो में आपको मालूम है कितने रुपए? नहीं मालूम है, किसी ने नहीं बताया अभी।